भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म डमरू की शूटिंग पूरी कर लिया गया है। जी हां, यह फिल्म मिथिला के धरती पर फिल्म शूट किया गया है। इस फिल्म में आधुनिक तकनीक से फिल्म को फिल्माया गया है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग बनारस में की गई है। फिल्म के कुछ हिस्से मुंबई में भी शूट किए गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा हैं, जिन्होंने बताया कि अब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम जोर शोर से शुरू किया जाएगा। फिल्म को अगले साल 2018 के पहले महीने में रिलीज करने की योजना बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव का बिल्कुल मदारी अवतार भोजपुरी दर्शक देख पाएंगे। फिल्म के लेखक और निर्देशक के साथ साथ संगीतकार रजनीश मिश्रा ने फिल्म की शूटिंग पूरे होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि डमरू के लिए हम सबों ने बहुत ही मेहनत किया है और भोजपुरी दर्शकों को अच्छी फिल्म देने का काम करेंगे, जो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक कुरीतियां पर भी चोट करती हुई नजर आने वाली है यह फिल्म। रजनीश मिश्रा के अनुसार महिलाएं जब हॉल में फिल्म देखने आती हैं तो वो एम्बेरिस फिल्म ना करें, इसीलिए डमरू में एक ऐसी फिल्म बनाई गई जो है ही जो भोजपुरी दर्शकों के साथ साथ भोजपुरी महिलाओं को भी फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि रजनीश मिश्रा हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाते हुए नजर आते हैं। वहीं डमरू की शूटिंग समाप्त होने पर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि इस फिल्म में मुझे काम करके बहुत ही मजा आया है, उम्मीद है कि दर्शकों को भी फिल्म डमरू बेहद ज्यादा पसंद आएगा। साथ ही साथ प्रदीप शर्मा और रजनीश मिश्रा के बारे में कहना चाहूंगा कि दोनों ही कमाल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जो ही भोजपुरी दर्शकों की आज के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।